नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। जैसा कि आप सभी को पता होगा, 22 जुलाई सन 2023, मतलब जो अभी 2023 का जो सेशन है, 2023-24 का, उसमें दुर्ग यूनिवर्सिटी मतलब हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग ने अपना नया सिलेबस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जारी किया है। इसमें पहले मैथ्स में 3 पेपर होते थे, NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब इसमें 2 पेपर कर दिए गए हैं। तो इसमें क्या क्या चेंज आए हैं और मैथ्स का जो पेपर है वो अभी कौन से राइटर्स की बुक छत्तीसगढ़ के मार्केट्स में अवेलेबल है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय या दुर्ग विश्वविद्यालय में जो पहला पेपर रखा गया है उसका नाम रखा गया है कैलकुलस, और जो दूसरा पेपर लिया गया है उसे लिया गया है एलजेब्रा। अब अगर मैं पहले पेपर की बात करूं कैलकुलस की, तो देखिएगा कि श्री शिक्षा साहित्य प्रकाशन, जिसके राइटर का नाम है HK पाठक, आप ध्यान दीजिएगा, जो सबसे ज़्यादा जो बुक सेल आउट होती है वो होती है श्री शिक्षा साहित्य प्रकाशन, HK पाठक राइटर का नेम। ये हिंदी और इंग्लिश में इन दोनों की बुक्स अवेलेबल नॉर्मली होती है, बट नए सिलेबस के अंतर्गत जो कैलकुलस की बुक है वो आपको इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर कैलकुलस को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो ये होता है कलन। तो कलन की बुक अब मार्केट में अवेलेबल होनी चालू हो गई है। जब ये वीडियो मैं 18 अगस्त 2023 को ये वीडियो बना रहा हूं, तो उस कंडीशन पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की कैलकुलस या कलन की बुक मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। मैं रेफरेंस के लिए कवर पेज को स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा, जिससे आपको बुक को लेने में आसानी हो। जब मैं बुक परचेस करने गया था तो मेरे साथ एक दिक्कत ये आ रही थी कि जैसे मैं कलन की बुक या कैलकुलस की बुक जब बुक डिपो वाले से मांग रहा था तो वो मुझे पुराने एडिशन की बुक दे रहे थे, क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं था कि नया जो NEP आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है, उसमें चेंज के तहत नई बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं। तो जब कभी भी आप जाएं तो मैं कवर पेज जो रेफरेंस के लिए डाल रहा हूं उसको देख के जाएं, ताकि आपको जो बुक लेने में थोड़ी आसानी हो। तो देखेंगे कि श्री शिक्षा साहित्य प्रकाशन, जिसके राइटर हैं HK पाठक, उनकी बुक कैलकुलस और कलन दोनों मार्केट में अभी अवेलेबल है। इस मंथ के लास्ट तक, मतलब 31 अगस्त 2023 तक, एलजेब्रा या बीजगणित की जो किताब है, मैथ्स की बुक है, वो भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। अब आते हैं दूसरे पब्लिकेशन की तरफ। पब्लिकेशन का नाम है राम प्रसाद एंड सन्स। इनका जो सब टाइटल रहता है जो बुक का, वो है RP यूनिफाइड। राइटर नेम है BR ठाकुर एंड RS चंदेल। ये जो बुक्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होती हैं। अभी वर्तमान समय में जो कैलकुलस की जो बुक है, क्या बोलते हैं, इंग्लिश की, वो अभी 2 से 4 दिन बाद, मतलब 20 से 25 अगस्त के बीच में पब्लिश हो जाएगी। हिंदी की जो बुक है कलन की, वो ऑलरेडी मार्केट में सबसे पहले अवेलेबल कराने वाला जो प्रकाशन है वो है राम प्रसाद एंड सन्स का। और इनकी जो एलजेब्रा की बुक है वो भी मार्केट में 31 अगस्त तक लगभग मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो याद रखिएगा, राम प्रसाद एंड सन्स, सब टाइटल है बुक का RP यूनिफाइड, राइटर नेम भी याद रखिएगा BR ठाकुर एंड RS चंदेल। इनकी कलन की बुक हिंदी में अवेलेबल है, कैलकुलस की बुक इस 25 तारीख तक के आने की संभावना है, और जो एलजेब्रा जो सेकंड पेपर है वो इस मंथ के लास्ट तक या नेक्स्ट मंथ के, मतलब सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं जो अगला प्रकाशन है वो है नवबोध प्रकाशन। यहाँ मैंने जब कॉल किया था तो वहाँ के जो अथॉरिटीज थे उन्होंने मेरे को बताया कि जो नवबोध प्रकाशन की हिंदी और इंग्लिश की जो मैथ्स की बुक है वो इस मंथ के लास्ट तक या सितंबर फर्स्ट वीक तक आने की पॉसिबिलिटी है। इन्होंने मेरे को कन्फर्म डेट नहीं बताया है, बट मोस्ट प्रोबेबली चांस है 15 सितंबर से पहले नवबोध प्रकाशन की बुक भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। यह बुक हिंदी में आती है, ये कन्फर्म है। इंग्लिश में मैं इसलिए बोल सकता हूँ आती होगी, क्योंकि नवबोध प्रकाशन की सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली बुक है वो है परीक्षा सार। ये QB निकालती है, क्वेश्चन बैंक्स निकालते हैं, और ये जो रहते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में निकालते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि नवबोध प्रकाशन की मैथ्स में हिंदी और इंग्लिश की जो बुक है वो भी आपको जल्द ही, मतलब 15 सितंबर के आसपास देखने को मिल जाएगी। अब आते हैं अगले जो पब्लिकेशन है वो है S चांद पब्लिकेशन। ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही बुक छापते हैं। अगर आप कभी भी S चांद की बुक्स देखेंगे तो BSc फर्स्ट ईयर का आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैथ्स के 3 पेपर होते हैं फर्स्ट ईयर में, कैलकुलस, एलजेब्रा,
ठीक है, और टिग्नोमेट्री, ये तीनों पेपर का कॉम्बिनेशन मिलता है। सेकेंड ईयर में जो पेपर होते हैं एडवांस कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन और मैकेनिक्स, इन तीनों का एक साथ कॉम्बिनेशन मिलेगा। अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूं तो आपका एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और जो आपका डिस्क्रीट है, उन तीनों का एक साथ कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो एस चांद नॉर्मली क्या करते हैं, तीनों ईयर का कॉम्बिनेशन बनाता है। जब मैं एस चांद की बुक्स के बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि ये जो है सेमेस्टर सिस्टम में, मतलब NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इन्होंने झारखंड के लिए भी बुक निकाले हैं, इन्होंने तेलंगाना के लिए भी बुक निकाले हैं, इन्होंने कर्नाटका के लिए भी बुक निकाले हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी छत्तीसगढ़ के लिए एस चांद की जो पब्लिकेशन है उन्होंने ना इंग्लिश में कोई भी बुक छत्तीसगढ़ के लिए नहीं निकाली है। अगर इस वीडियो को कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है जो इन एस चांद पब्लिकेशन पे रिक्वेस्ट कर सकता है छत्तीसगढ़ के लिए, या इस वीडियो को वहाँ तक शेयर कर सकता है, तो ज़रूर कीजिएगा। छत्तीसगढ़ के लोगों को सभी प्रकार के राइटर्स की बुक अगर मिलती है तो जो परफॉर्मेंस का जो लेवल है वो और इंक्रीज़ होने की संभावना है। इसीलिए एस चांद को अगर इस वीडियो को शेयर करके अगर आपसे होता है तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एस चांद की जो स्पेशल बुक है सेमेस्टर वाली, वो अभी तक अवेलेबल नहीं है और ना ही इसके बारे में कोई अपडेट है। मेरा कहना ये है कि जब झारखंड स्टेट के लिए जब एस चांद बुक्स निकाल सकता है तो छत्तीसगढ़ के लिए क्यों नहीं निकाल सकता BSc के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी BSc में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी देखते हैं जो वर्तमान समय में जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो है राम प्रसाद एंड सन्स, हिंदी में इनकी बुक्स आपको आसानी से मिल जाएगी, इंग्लिश की भी मिल जाएगी। श्री शिक्षा साहित्य प्रकाशन का आएगा HK पाठक सर, इनकी भी आपको बुक आसानी से मिल जाएगी। नवबोध प्रकाशन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और एस चांद की बुक जो है आपको कॉम्बिनेशन फॉर्म में मिलेगी, आपको सेपरेट कैलकुलस की बुक या और किसी की बुक जिसमें NEP के तहत कोर्स दिया गया है उसके मिलने के चांसेस लगभग ना के बराबर है। इसीलिए अगर आप लेना चाहे रेफरेंस बुक के रूप में तो इसका जो कॉम्बिनेशन फॉर्म है वो आप ले सकते हैं। याद रखिएगा श्री जो आपको पहला वाला है जो श्री शिक्षा साहित्य प्रकाशन का, और जो आपका दूसरा है राम प्रसाद एंड सन्स का, इनकी बुक्स जो है वो लगभग सितंबर लास्ट वीक तक, चाहे वो कैलकुलस कलन हो या एलजेब्रा बीजगणित हो, इन दोनों की बुक अगस्त लास्ट वीक तक आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। मैक्सिमम 15 सितंबर से पहले चाहे कोई पब्लिकेशन दे ना दे, लेकिन राम प्रसाद एंड सन्स और श्री शिक्षा साहित्य जो प्रकाशन है वो आपको जरूर मार्केट में बुक्स अवेलेबल करा देंगी। BSc फर्स्ट ईयर के अगर कोई भी छात्र हो जो मैथ्स लेके पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो नवीन शिक्षा पद्धति में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैथ्स की बुक का चयन कर पाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।